टिक्के मांगो। हाँ अब टिक्के ऊपर को बस 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 अरे इधर के इधर लगे लानी कौन लिखा है तू पढ़ी पाल मुगी किरे कुलिया तू से टिकाऊ करुँ चु संजोगड़ को आज से ले जानी पड़ेगी टिक कौन होगी अरे सात को पच्चर की सेटा लगे चुटी आ कौन पाये ना बकर बकर हो चुका इला तम्मु को तक वाला तम्मे आउ से गोपी साथे संजोगड़ को सिलोटा खड़ी धरी किरे आसीबो एटा बरा आशा सिले शिक्षा पढ़ा पढ़ी केन्द्र इटा तो कोड़ भारी साहस है गलानी मुझे देखुची अरे सब दिन सात गोड़ तले पड़ी पांच दस टका नौ मद पीबू बोली आज कौन पूरा उल्टा है बेड़ गला खड़ी सिलट बेड़ जाओ जाओ संज को आसे सब जान जाओ रे पु गोपी मिश्र कान में कथा पड़गले किए सिलट खड़ी धरिकी आसवा किए पाठ पढ़व बड़े जानवु जे कौ आशा तुमको भरोसा हम जानवु अरे अरे तो काम तो कर मते बेईमान कहला मते मूर्ख कहला पुनी कुड़िया जना कहला बहुत बाट आगे गले से माने मते पुनी से माने पाठ पढ़ेबे नाही ओ देखिबा के काको पाठ पढ़ेबो तमे महंती ए सब सुनी चुपचाप चली आसलो से माने दांत भांगी दे पालो नी अनाज्य कोठका एते कथा कहिबा को से माने को साहस दला किए सेई आशा जो घर साते हमर बसी भलो मंद न्याय मिसाप करथिले सेई घर को मारी बसी सिले शिक्षा केंद्र आउ गाँ लोक मान को पाठ पढ़ाऊ कौन क्या कथा शुणुंट ना क्या कुछ कह दौर सब थे मामल सरकार साजिश से बरचु आलिया कथा तो छाड़ से कहला चुप कर महांती कौन बारम्बार से गोटे कथा तुम कही चल बर से जबत कर से कथा चिंता कर गोपी मिश्र उठाउ थाउ ता इलाक मुरबी साज गोटे स्त्री लोक एक अन्न गाँव लोक जानवे कौन हम भावी पार अरे मोर बढ़ला झील मुझे बाहा पारि कि कौन कौन चाहती लक्ष्मी बाहा ठीक है बाहा भांगी गीमा एम छोट छोट कथा कौन मानती हाँ एमती के प्रस्ताव आसब के प्रस्ताव भांग तोर कौन बाहा बयस बढ़ गला मुझे कानूनी खाली बापा सब बड़े बाहर लोक को बस असभाव जगना गाड़ी गुल जो खराब चिंता ये सब कौन भले कौन करी कह तो ये बुझे कहली आस बुढ़ा हेले तथापि तो प्रकृति बदलानी मुझे मा अगर खराब चिंता कले निजे ऊपर पड़े तर सब कुकर्मर फल मत भोग पड़ तू तो बुझ मा तो झीर भल पाए तू खराब रास्तार फेरे आने ना तू बचि था तो आखि आगे सब ध्वस सांते सांते आप मन खराब करते आग झी बाहर सरी जाऊपर ता कथा विचार हम मो शशुर घर गाँव में गोटे ब्राह्मण परिवार गोटा गोटे कड़ चाकरी करम लक्ष्मी तो सतरे लक्ष्मी भल मानव कौन प्रस्तावटा आणवि सांते कह से जहाँ चाहिए मुझे देवी लक्ष्मी मोर गोटे बोली झील ताप सबकि प्रस्तुत अच्छे तुम्हें तो बाहर जा बाहा सर जाए मत चुपचाप रहा मु देखी से आशा को लोक पाठ पढ़े शिक्षित तो करूँ ना मु देखी से केमी पाठ पढ़ु मुसबू लिभेदेली तुम्हें लिखिपर त
माला हाँ पारी भी बुझलो होनी मौते लगो जी ये दी दिन भीतर मु दुनिया जाकर और पाठों सार देवी आ तम्मरो दादी हेलन जे अगर पहुँच बुझलो बोली दादी रो आऊँ जहाँ बाकी रोई ला मु तम्मु कुछ कहीं न मिलेगी अच्छा हो नानी इटा आगुरु है थले आमे ढेर पाठों सीखी सारं तुनी ओ वा कित्ते पाठों की ये बेबी हेलन चली बो सुना सबु जिनसरा शेष अछि हेले पाठर शेष नाही तमे जेति की पाठ पढ़ी जाउथिबो सेते अधिक अधिक कथा जानुथिबो तम ज्ञान सेति की बढ़ी जाउथिबो पाठटारु दुनिया रे केही हेले बड़ नाही गोपी मिश्रा आ हमकु ठकी परिबोनी गोपी मिश्रा कोनबा हमकु केही ठकी परिबेनी हम पर पाठ पढ़िलेनी अरे गद्दू को देखिले सापो जेमिति पळाए सेमिति हमकु देखिले गोपी मिश्रा भी पळाइबो तमे ठीक कहिछ नीति दिनिया जीवन रे खाद्य जेमती निहाती दरकार पाठ सेमती दरकार आम समस्त पाठ पढ़ा दरकार अंत निज निज भितर भल भाव कथबार्ता हवा देश विदेश खबर जाणी चिठी खंडे लेखिक पढ़ जाणी ए सबुपाई पाठ निहाती दरकार तमें देख अल्प दिन भितर आम गाँ आखपाखर गाँ भर गोटे शिक्षित गाँ ही बाहर अरे ये लोकर कौन हम समस्या आस ना तमें व्यस्त हुए दादी आज हेउनांती काली हेबे आज आम समस्त दायित्व है घरे घरे पशि समस्त को डाक आणवा तम मान देखिले से निश्चय आसबे आम मान पाठपढ़ा देखिले से निश्चय पढ़वे सब कथा तो सरला समझी हेले से हाथ को चिंता करेंगे बाहर आगुरु आपड़ मत जो समुदी बोली डाक सारे मो झी को बहु कर पक्का कर सब खाली गोटे कथा रही गला पुओ निजे आसी देखी जाइथले भलो हे हो समदी आम परिवार संस्कृति से बाप थाउ थाउ पुआ आसो झी देखा ये दुनिया कौन हेगला कि आसी एडुटे पुणी विडो हो मो मुहर दिए से कथा कहला समझी झी गुटा कहु मुदीटे पिंधे दबा हो सावित्री लक्ष्मी के आण मो घर दायित्व तत्ते लगला माधव माधव विष्णु माधव माधव हरी हरंति सर्वैत्यं सर्वकाचे माधव ओम तनाग्ने वरुणस्य वीरेण अवशिष्टं प्रमोदं स्वायतो अग्नि वरुणस्यं ओम लं लक्ष्मण देवाय स्वायतं लक्ष्मण देवाय ओम अहम हनुमते रुद्रात्मराय ओम पश्चात मार्ग विचार ओम लक्ष्मीस्ते पंकदाखी निवसतु सदने भारती कंठ देशे वर्धन्तां बंधुवर्गा प्रबल रिपुगणा जन्तु पाताल मूले देशे देशे कीर्ति प्रसरन्तु भवतां बुझिलु जदुआ मु आगुरु ढेर बाहर ହେଲେ ଏଭଳିଆ ବାହାଘର କେବେ ଦେଖିନି ମୋ ବାପରା କହୁଥିଲା ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ସେଭଳିଆ ଭୋଜି ବି କେବେ ଖାଇନି ଏ ହଁ ତା ନାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ସେଥିରେ ପୁଣି ହାକିମି ଜୋଇଁ ଅଭାବ ବା ତା କ'ଣ ଅଛି କହିଲୁ ଆରେ ସିଏ ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ଦିଅନ୍ତା ଏ ସେଦିନ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ବୋଇ ବୋଇ ଥକିଲୁ ଯା ହଉ ଠାକୁର ଝିଅ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଜୀବନଟି ଏମିତି ଭଲରେ କଟିଛି ସେଇଟା ଯା କହିଲୁ ସତ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଛି ମହାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଛି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁହଁଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି
ଖାଲି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରଟା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଇକିନାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଦେଖିବି କୋଉ ବରଜ ଆଉ କୁଳିଆ ତା ପିଠିରେ ପଡିବେ। ଖାଲି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପରା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସାବାଡ କରିପାରିବେ। ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ସେ ମତେ ଯେମିତି ବାରଦ୍ୱାର କରିଛି ସେ ସେମିତି ବାରଦ୍ୱାର। ଆଜ୍ଞା ମାତିଏ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ସେ ମାଇକିନା ଘରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। ଆଜ୍ଞା କହ ସାନ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାଘର ସାତ ଦିନ ନ ପୁରୁଣୁ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାକୁ ତଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲାଗି ପୁରା କହୁଛି। ଏମିତି କଣ କହୁଛ, ପରର ଦୁଃଖର ସେମିତି କହନ୍ତି? ଗୋପୀ ମିଶ୍ରକୁ ଭଲ ଲୋକ ଯେ, ତା ଝିଅ ତମର କଣ କଲା? ସେମିତି କହନ୍ତିନି, ସେମିତି କହିଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତୁମେ ତମେ ବରଂ ଗଲ ଟିକେ ବୁଝି ଆସିବ, ସେ କାହିଁ ଏମିତି ଅସମୟରେ ଫେରି ଆସିଲା। ନାନୀ। ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆସ ଆସ ଆସ, କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ତୁମେ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ। ଆସ ଆସ ଆସ, ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ ବୋଲି ତମ ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଫେରୁ ଫେରୁ ବି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ଆସ ବସିକିରି କଥା ହେବା, ମୁଁ ବି ତମକୁ ବସିବାକୁ ନଦେଇ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ନାନି, ବାପା ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଢେର ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନାନି। ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମନରେ କେବେ ବି ଧରିନି, ବାପାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ କେମିତି ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲ କହିଲ? ମନ କଥା ଖୋଲି କହିବା ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକଟିଏ ଦରକାର ନା, ବାପାଙ୍କ ଡରରେ ସିନା ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିପାରେନା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଖୋଜିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ମନ କଥା ମତେ ଖୋଲିକିରି କୁହ, କଣ ହେଇଛି? ବାପା ନିଜ ଧନର ଅହଙ୍କାରରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ, କେବେ ହେଲେ ବି ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେନି। ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ସିନା ମଣିଷ କିଣାଯାଏ, ହେଲେ କାହା ମନ କିଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ହାତ ଧରିଲି
सात मंगला जाइनी बाप घर को पठे देले कोनन कहा दस देबे मते सतकरी कहिलो तमरो कोन हेछि बाहागर प्रस्ताव चली थिला बेले ससुर एकुटे आसी बहु हमर पसंद हेछि कहि मुदि पिंधे चली गेले दिने हेले भी तांको पुओ को पठेलेनी मो बापा वीडियो जई पाई खुशी आ ससुर मोर जानी जौतुक पाई खुशी हेले पुओ झियो को खुशी को केहि भी देखलेनी चौठी राति दिन तांकर मोर जेते बेले प्रथम देखा हुए नाटा चेहरा से एक बार मिस जाऊछे बुझले जे केते खुशी हे थांता ता पुओ लक्ष्मी प्रतिमा बळी बहुटिया घर पाणिछे स्वर्गर थे देखुतिबो छे गला बळे मते फरुआटा दे जैतिला आ कहितिला ए फरुआटा ता बहुबित केहि देखि परिबेनि नियम करी कहितिला ए फरुआटा सिदनटु के दियंको पाखर थाए तमे आज आसिलो तमकु दउछे नियो देखो देख लो बो तुम पाई ये फरुआ भितर कौन रखी गॉड इटा गोटे चिट्ठी टे कौन तुमको चिट्ठी लिखी थी हाँ तम चिट्ठी मोर कौन पढ़ा दरकार तम सासु चिठी तमें पढ़ आम खाली श्रोता शुणा कथा अरे पढ़ पढ़ कहीं मु कौन पढ़ी पार था तम पटर शुणिले भल लगे से कहली तो पढ़ापाई पढ़ पढ़ुन कहीं अरे तमे कांदुचो बहु कथा मन पड़ुची हाँ बहु कथा मन पड़ा स्वाभाविक ना कांदनी पढ़ तमे बहु कथा पढ़िले मते सुनिया को भल लागिव पढ़ मु पढ़ी जानि तमे पढ़ी जानि नो तुम पढ़ी पार मुने माय गॉड कौन कह तमें मु गोटे वीडियो मो स्त्री अपाठ कौन कल तमें कहीं मो जीवन को नष्ट कल तुमको नहीं मुमी घर संसार कर मो बहुत दुख देखी पार्वन से आर पारि को चली गला ठीक अच्छे गोटे मुहूर्त भी रही पारे तमे तम रु कल सकाल मो कर्म को आधे चल नहीं घर आप झी आप घर छाड़े दयाक मत मो घर छाड़ दि मु सारा जीवन अशांति रही आपन को अशांति रखा देवी आप मन लगे झीटे आपण को पाई भू कर दयाक मत मो घर पहुंचे दिं आम घर कहीं आपण को दोष देवे जीवा आगर मोर गोटे अनुरोध रक्षा करतु मोर ये शाशु को चिठीटी मत नापी मना करनी मुझे मु गोटे अपाठ झी आपण को केबे शांति दे पारिबिनी मते मना कर मत मो घर छाड़ दिंतु मो घर छाड़ दिंतु मत से पुआटा भी कौन तुमको छाड़ा राजी गला मु राजी आराजी को अपेक्षा करनी मु कहीं सारा जीवन जनकर बोझ रही
ताहले बे तुम्ही कोण करियो बोली भाबुच मु पाठ पडबी तुमरी पाखरे पडबी मो सासु को चिट्ठी पडी पाले मु जीवन रे शांति पाइबी कुहनन तमे मते पढिबो ना हां लक्ष्मी तमे निश्चय पाठ पडिबो मु तुमको पाठ पडबी ମଣିଷର ହାତ ପରସ ମଣି ଛୁଇଁ ଦେଲେ କାଚ ହୁଏ ମଣି ଏଇ ଯେମିତି ତମେ ମତେ ଛୁଇଁ ଦେଲ ମୁଁ ମଣି ହେଇଗଲି ସତ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ କମ ଦିନରେ ତମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଲଣି ତମର ମୋ ପ୍ରତି ସେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ପାଠ ପଢି ପାରିଲି ନାନୀ ଆଉ ମୁଁ ପାଉଣା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୁହେଁ ଆମ ଘରେ ତମ ଘରେ ତମ ବାପା ଆଉ ମତେ ରଖିବେ ଟି ମୋ ବାପା ଆଉ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ନାନୀ ତାଙ୍କ କଲାକର୍ମର ଫଳ ସେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଫେରି ଆସିବାଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଛି ସେମିତି କହନ୍ତିନି ଆରେ ମୋ ପାଉଣା କଥା ତ ଖୁସିରେ କହିଦେଲି ତମ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ମୋର ପାଉଣା ନୁହେଁ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଶା ତମ ଶାଶୁ ଦେଇଥିବା ସେ ଚିଠିଟି ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବି ସେ ଚିଠିଟି ମୋ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ମୋତେ ପାଠୋଇ କରିଛି ଆଗ ମୁଁ ପଢିବି ଆଉ ଆମ ଘରେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ହେବ ନାନୀ ମନା କରନି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କ'ଣ କହୁଛ ହଉ ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଚିଠି ପଢିବି ମାରେ ତୋତେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋତେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ବିହି ମୋତେ ନେଇଗଲା ତଥାପି ମୁଁ ଉପରୁ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖିବି ଯିବା ଆଗରୁ କେତେ ପଦ କଥା ତୋତେ କହି ରଖୁଛି ଘର ତୋତେ ଲାଗିଲା ମା ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ବି ତୋର ସେ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ହେଳା କରିବୁନି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଶୁଭୁ ମୋର ଭାରି ଗେଲା ତା ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବୁନି ତା ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତା ପାଖେ ପାଖେ ରହିବୁ କାନ୍ଦନି ଦୁହେଁ ହସି ଖେଳି ବୁଢା ପୁଅଟିର ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବ ହଁ ଶୁଣ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ତୁ ସେମିତି ତୋ ପୁଅକୁ ହାକିମ କରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି
कौन लिखते पढ़ल पा मान पढ़ा केबे अवहेला करिबुनी पाठटू बड़ दुनिया रे किछि नै जे पाठ को न चिन्हिछि तार समाज रे कोनसी स्थान नै गर्व अहंकार ठू सब बेले दूर रे रहिबु ए गुड़ी को मनीष पाखरु मनीष पणिया छड़ी नियंती स्नेह श्रद्धा दे घर करिबु कथा रे अछि वैकुंठ समान आह अटे से ही घर परस्पर स्नेह जहि थाए निरंतर मु तो तते देखिनी मा तू मो घर कूल बहु मो घर लक्ष्मी तते मो घर लगला स्वामी शशुर को धरी भल घर कर मो आशीर्वाद सब बेले तो ऊपर अच्छे इति तोर सासु तुम्हें से केते बड़ कथा लिखी जाइंटे लक्ष्मी तुम बापा का घोर विरोध सत्वे मुझे जन को पाठ पढ़े तुम्हें मत सब अधिक आत्मतृप्ति देच बापा माँ को लुचिकी तुम एत शीघ्र एमती पढ़ी पार मु भाव नी भगवान सब बेले तुम चलापथ सहाय हूँ अच्छा मुझे जी तुम बापा आसवा बेलाईगला मत ये देखिले चल जा सेमिति कहि बुढ़ा पुआटा को लज्जा देनी मु सब शुणी मो घर हस फुटेदलु मा सारा जीवन पे मते रूढ़ी कर दिलु लक्ष्मी ता शाशु घर चली आसला परे जो दुख मते खेरी रही थला तोरी पे आज ता घुंची गला मते आज बहुत शांति लगुच मा ता हाथ में खड़ी सिलट धरी तू ता जीवन को धन्य कर देछु बापा ही मुझे जहां करी पर नथली तर कही नहीं भी तू था पे बहुत करी चुमा बहुत करी चु लक्ष्मी कोड़े एक का आपड़ंग जीव मो कही नुए तू तो मोर जीव ठू बोली लो मा मौसा नुए बापा बोल डाक तरे बापा बोल डाक मा ये बुढ़ा पोटर आत्मा शांति पाइबो डाकिबुनी मा थरुठे बापा बोली मते डाकिबुनी डाक मा बापा लक्ष्मी को बेसी दिन आम घर रखा ठीक हबनि ता सासु चिठी अनुसार घर दायित्व संभाल पड़ो ता अनेक दायित्व से गुड़िक पूरण न कले शाशु आत्मा शांति पाइबनि ग्रहण करे कहीं हम झीता अपाठे ना आप गोटे गाड़ी ठीक करतु मु काली ताकु नहीं छाड़ी आसवि तू तो खाली आशा नुहल मा भरोसा भी